सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज बहुत दिन के बाद एक मैंने वीडियो शूट किया था, आप क्यों देख रहे हो मेरा काम करो। बहुत दिन के बाद एक कॉफ़ी रिव्यू का जो है वीडियो शूट किया था, और अभी मैं बना रही हूँ चाय। लेकिन चाय क्यों दिखाना चाह रही हूँ मैं, क्योंकि आज एक बन रही है स्पेशल चाय। वो चाय है अखरोट की चाय बना रहे हैं हम। यस जी हाँ, अखरोट की चाय बनेगी। और आज शायद इवनिंग का मैं आपसे थोड़ा सा रूटीन शेयर करूँगी, बट इवनिंग में एक लाइव भी है मेरी, सो देखते हैं कैसे मैनेज होता है। और ये जो देख रहे हैं रेड लाइट हमने कर रखा है इसको, नहीं घर में रुकने वाली रेड लाइट नहीं है, ये इसलिए है कि जो लाइट के ऊपर जो मच्छर जैसे आते हैं ना वो नहीं आए, इसलिए हमने लगाया हुआ है। और आज जो है दूसरे चैनल के भी मेरा जो वीडियो उसमें भी ये चल रहा है, दोनों चीज़ें हुई, देखिए ये भी लगा हुआ है, तो काम दोनों चल रहे हैं दोनों तरफ से। ये देखिए इसका बारीक सा ना अखरोट का पेस्ट बनाना है। 6 से 7 जो है वो अखरोट लिए हैं मैंने, है ना, उसकी चाय जो है वो बनाने के लिए। सो इसको कहाँ सेट करें, क्योंकि एक में तो ये लगा हुआ है ऑलरेडी, सो अगर यहाँ करूँगी तो बात नहीं कर पाऊँगी मैं। और व्लॉग जो है बहुत ही कम आजकल हो गए थे आने, और अभी जो आज मैंने एक रिव्यू तो मतलब क्या, जो मंगाया चीज़ तो वो शेयर किया कि चलो मंगाया है तो दिखा देते हैं आपको भी। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है वो कॉफ़ी का, है ना, उसको ज़रूर से आप मंगा के ट्राई करना है। लिंक भेज दिया? अच्छा, उसका लिंक देना था क्योंकि वो इनके फ़ोन से मंगवाया था, तो इसमें वो डिस्क्रिप्शन सारा उसमें था, वो लगाएंगे। और इसको जो है ना बहुत अच्छे से एक तो भीगना है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी वो मिल्क जैसी हो जाए। और समझिए ये हेल्दी टी है और वेगन है, जो आजकल वेगन वेगन चल रहा है ना, जिनको दूध से एलर्जी हो वो इसे बना के पी सकते हैं। बारीक पेस्ट करना, लेकिन ये देखिएगा आप मिक्सी में ना करें, मिक्सी से अच्छा ये कि आप हाथ से थोड़ा सा इसमें करेंगे तो सही रहेगा। और वीडियो तो मेरे आजकल थोड़े लेस आ रहे हैं, अभी स्कूटी वाला एक वीडियो बनाया था, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। टाइम तो क्या मिला, थोड़ी मक्कारी है कि नहीं बनाया था, है ना, नहीं तो इसका मैं बना सकती हूँ कि क्या मतलब मैंने कैसे सीखी थी स्कूटी, वो ज़रूर से शेयर करना चाहिए था। सो इतना इसका जितना बारीक से बारीक पेस्ट बने ना उतना ही अच्छा है। अखरोट की जो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए इस बार, मुझे थोड़ा सा है तो बढ़िया वाला, पर थोड़ा कंसिस्टेंसी में दिख रहा है कुछ प्रॉब्लम, तो इसका देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। और व्लॉग आप सब लोग देखा करो मेरे भाई, जिसके जो भी चैनल पे नया है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ज़रूर से, और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। वैसे तो ज़्यादा इतने जल्दी जल्दी तो नहीं आते हैं वीडियोस, लेकिन जो भी आते हैं बहुत जल्दी आपको उनका नोटिफिकेशन जो है ना वो मिल जाएगा। सो मैं लगी हूँ कॉफ़ी चाय को बना रही हूँ, कॉफ़ी आज वो कॉफ़ी के दिमाग में है, तो देखिए आज चाय बनती कैसी है, ठीक है। और मेरा दूसरा वीडियो का भी चल रहा है काम। तो जितना बारीक आपसे हो सके मैक्सिमम वो आपको इसको ना करना है अखरोट की चाय बनाने के। देखिए चाय जो है हमारी ऑलमोस्ट ना रेडी हो रही है। अब करना क्या है, क्योंकि चाय पत्ती और साथ में अगर वो
ड्राई फ्रूट्स हम अगर डालेंगे तो उसके साथ ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है। तो बेटर क्या करना है हमको, इसको पहले छान के और फिर इसको अच्छे, पहले काफ़ी देर से पक रही है, एक गिलास पानी था इतना रह गया है ना, तो इसको हम छान के फिर बॉईल करते हैं। ये देखो मैंने इसमें डाल दिया है वो अखरोट वाला पूरा दूध मिक्स करके, और ये इसका कलर और टेक्सचर आया है। तो ये जो पीने में थोड़ा सा मुंह में क्रंची लगेगा, थोड़ा और बारीक जितना पीसेंगे तो और अच्छा रहेगा। मिक्सी में नहीं पीसना, बस इतना थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक चाय बढ़िया सी अखरोट की तैयार हो जाएगी। चलिए इंजॉय करते हैं अपनी चाय की। तैयार हो गई है, देखो लो चाय पी के बताओ कैसी बनी है। छानी नहीं है मैंने आपकी, छानू मेरी वाली है ना, ये कैसी है, मीठी है, क्या लग रहा है? खाना अखरोट दे रहा अखरोट खाना हो तो ये रहा, ये अखरोट है भाई। छान लिया ना मैंने चाय की, उसमें खराब हो जाती है सारा ही। खाए जा सकते हैं अखरोट। कैसी लगी आपको चाय? अच्छी है चाय। कपड़े नहीं है आपके पास? घर में कपड़े पहन के बैठूंगा क्या? कप और ये मैच कर रहा है दोनों। चाय इसलिए थोड़ी थोड़ी है, खाना तो ये अखरोट खा लो सारा। सारे अखरोट है, सिर्फ अखरोट दिए चाय है। और पापा के देने से दिखते में नहीं, और जाते ना पापा के सैंपल देखने वाले कब तक रिक्वेस्ट की, इससे हमने पैसे बनाए और रोटी आलू लगी हुई। तो मुझे शूट कराना था कि हमने व्यापार कैसे बनाया और क्या मम्मी शूट करने वाली अपना। ये ब्रेड लग रहा है कि को ले लो, दो लेके खा लो, यही है ये उठा लो, एक लगा के दे तो बस। हाँ एक एक फटाफट लगा देते हैं, चाय भी सत्यानाश हो जाएगी, सारी बीमारी मैं तो हुई रही पूरी। अच्छा अखरोट तो खा लेते हो, बेकार टेस्ट लग रहा है, देखो तो जरा उनको उब के आ रहे हैं। पिछली बार तुमने पी कब थी? कब पी थी? दो, एक बार दो कप बनाई थी हमने तो। वो अखरोट ही अच्छे नहीं, पता नहीं मुझे वो अखरोट अच्छे नहीं आया, क्योंकि मैं पीस रही थी ना उसमें बिल्कुल वो वाइटनेस आई नहीं रही थी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। कभी कभी वाले जो ब्लॉग हैं वो ज़रूर से आपके पास उनका नोटिफिकेशन आ जाए और आप ज्वाइन कर पाएँ अपनी उर्मी को। और इस चाय वाय के बाद मैंने शाम को मतलब मंदिर गई थी, मंदिर के सामने थोड़ी पूजा थी और उसके बाद बाजरी सेकी थी उन्होंने, वो खिलाई। और बस ये लास्ट डे था मेरा जो मैं हेल्थ वाइज सही थी, उसके बाद 4-5 दिन रेगुलर बुखार में पड़ी रही। और उसके बाद ही अब काम मतलब 5-6 दिन पहले के वीडियो जो है अब जा रहा है। तो होप सो वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेहनत का काम है, हाथ भी काले हुए हैं, रसोई बड़ी गंदी हुई हमारी। आराम से लेके जाना, उधर ध्यान से गिर आते ही नहीं। खा भी लिया तुमने? खाया? अरे इसमें पड़ा है दो सारा। नहीं पूछ रही हूँ मैं तो। हाँ अरे तू खाया था, मैं तो सीख रहा हूँ। बाजरी खिलाई जा रही है गरम गरम से खा के। हाँ हटको, एक बार फिर पटी। छह बजे हमारी लाइव करूं कि उठ जाऊं? लाइव करूं? उठ जाए लाइव जरूरी है, तो मेरा आवाज ना ना बड़ी मार।
पड़े थे उसमें। दो दिन से हवा कर रही है बड़ी। बस हम खा चुके हैं, तुम लोग खाओ।